अलैकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में खुश आमद कहता हूँ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या चीज़ है और उसकी एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज द इफेक्टिव मेथड to obtain step-by-step solution of problems। तो दोस्तों, एल्गोरिथम क्या है? ये एक स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोग्राम को हल कर सकते हैं, किसी भी मसले को, या कोई भी प्रोग्राम जो हमने डिज़ाइन करना होगा उसको हम सॉल्व करने, उसको हम उसकी कोडिंग करने या उसको प्रोग्राम करने से पहले हम उसका एल्गोरिथम बनाएंगे। तो एल्गोरिथम क्या है? ये एक स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी आगे आप एक एग्जांपल देता हूँ, हम एग्जांपल के जरिए इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं ये क्या चीज़ है। दूसरे इस एग्जांपल में वो कहता है कि टू फाइंड द एवरेज स्कोर्स ऑफ अ स्टूडेंट, टू फाइंड द एवरेज स्कोर्स ऑफ आर स्टूडेंट फॉर द 3 टेस्ट मार्क्स। तो ये एल्गोरिथम हम क्या करेंगे, ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा हासिल करते हैं, उनके इनपुट, और उसके बाद डाटा पर प्रोसेस करते हैं, उनके प्रोसेसिंग का प्रोसेस अमल करते हैं, और उसके बाद थर्ड पॉइंट पर हम उसके नतज को जाहिर करते हैं, उनके आउटपुट जाहिर कर देते हैं। स्टेप 1 पर आपके सामने लिखा हुआ है स्टार्ट। ये स्टेप 1 पर स्टार्ट और लास्ट स्टेप पर उसको एंड करना लाजमी होगा। यानी कि किसी भी प्रोग्राम को हम जब प्रोग्राम करने शुरू करेंगे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम जाहिर करेंगे। स्टेप 1 पर हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 इनपुट लिए हैं, एक्सेप्ट द 3 टेस्ट मार्क्स S1, S2 एंड S3। S1, S2 एंड S3 हमारे क्या हैं, इनपुट हैं जिनकी मदद से हम एवरेज निकाल सकते हैं। स्टेप 3 पर प्रोसेसिंग का अमल आ जाता है। तो प्रोसेसिंग के अमल में हमने क्या किया कि हमने S1, S2, S3 जो कि हमारे वेरिएबल थे उनको हमने क्या किया, एक सम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। देखिए, S1, S2, S3 को प्लस करके उनका मजमूआ किस में स्टोर हो गया, सम के वेरिएबल में। तो नंबर स्टेप 4 पर हम देखते हैं कि एवरेज का फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो हमारे पास ऑल नंबर का सम कितना आया है, सम का वेरिएबल आया है, तो सम के वेरिएबल को ऊपर लिखा है, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, S1, S2, S3, यानी कि टोटल 3 हैं। तो हमने 3 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करने के बाद इसका जो सम ऑफ सम डिवाइड बाय 3 का जो भी आंसर आएगा वो एवरेज के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो एवरेज के वेरिएबल में जब स्टोर होगा तो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, एवरेज के वेरिएबल को डिस्प्ले कर देंगे। हम यहाँ डिस्प्ले के लफ्ज की जगह पर आउटपुट भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट में हम स्टेप 6 पर हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।